हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएसएमई पेमेंट रूल। ये जो एमएसएमई पेमेंट रूल है उसके तहत ऐसा है कि आपके जो भी गुड सप्लायर है, सर्विस प्रोवाइडर है, उनको आपको विद इन 45 डेज में पेमेंट करना है। ये रूल में ऐसा भी है कि अगर आपने एग्रीमेंट करा है तो एग्रीमेंट के डेट के मुताबिक पेमेंट करना है, और अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया है तो विद इन अ 15 डेज के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना है। बट सपोज आपने विद इन अ ड्यू डेट के अंदर एमएसएमई पेमेंट रूल के अंदर पेमेंट नहीं किया है तो वो जो एक्सपेंस है वो आपको बाद नहीं मिलेगा एंड वो आपकी इनकम ट्रीट होगी एंड उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो इतना ये एमएसएमई पेमेंट रूल का बर्डन बहुत ही बढ़ गया है। तो यहाँ पे छोटे व्यापारियों के जिनका टर्नओवर 2 या 3 करोड़ है, उनके लिए एक बहुत ही राहत देने वाली न्यूज है, जो है फ्रॉम एप्लीकेबल होने वाली है फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड्स। तो ये जो लिमिट्स है, कहाँ पे एप्लीकेबल है, कैसे एप्लीकेबल है, पूरा ही डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहे अंत तक। और क्विक नोट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे यूजफुल वीडियोस के लिए। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन 44AD, मतलब इनकम टैक्स में एक सेक्शन है जो सेक्शन है 44AD, उसमें ऐसा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि इंडिविजुअल, HUF और पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। और मेन कंडीशन यहाँ पे ऐसी है कि ऑप्टिंग फॉर अ प्रेजम्प्टिव इनकम अंडर सेक्शन 44AD, मतलब अपनी इनकम जो डिक्लेयर कर रहे ऑन अ प्रेजम्प्टिव बेसिस। एंड यहाँ पे जो मेन क्राइटेरिया देखना है वो है टर्नओवर। तो फर्स्ट जो लिमिट है वो है टर्नओवर ऑफ मोर देन, नॉट मोर देन ₹2 करोड़। एक जो लिमिट है वो है ₹2 करोड़ की। बट ये 2 करोड़ की टर्नओवर लिमिट सर्टेन कंडीशंस फुलफिल करने के साथ आपकी टर्नओवर लिमिट बन जाएगी, वो है ₹3 करोड़। बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस का भी आपको ध्यान में रखना है। तो आइए चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऐसा है कि आपका टर्नओवर, आप एज अ बिजनेसमैन, आपका टर्नओवर अप टू ₹2 करोड़ है, आपका टर्नओवर अप टू ₹2 करोड़ है एंड आपने ऑप्ट किया है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है अंडर सेक्शन 44AD। दैट मीन्स आपका टर्नओवर भी विद इन लिमिट है एंड इनकम टैक्स रिटर्न भी आप अंडर सेक्शन 44AD के तहत फाइल कर रहे हो, देन यहाँ पे एमएसएमई पेमेंट रूल एप्लीकेबल नहीं है। मतलब आपको विद इन अ 45 डेज में आपके जो गुड्स सप्लायर है, सर्विस प्रोवाइडर है, उनको नहीं करना है। ए वेरी गुड बेनिफिट अवेलेबल है टू द छोटे छोटे व्यापारी जिनका टर्न ओवर अप टू ₹2 करोड़ है। तो वेरी गुड ऑप्शन है। यस ऑफकोर्स 44 जो सेक्शन 44AD है उनके कंडीशन अलग अलग है, बट उनके तहत आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो देन यहाँ पे एमएसएमई पेमेंट रूल एप्लीकेबल नहीं है। वेरी गुड है। मेन इम्पोर्टेंट है जो ये 2 करोड़ की लिमिट है वो 3 करोड़ तब बन जाती है जब आपके जो ट्रांजेक्शन्स है वो सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट 95% ऑफ रिसिट मस्ट बी थ्रू ऑनलाइन मोड्स। मतलब ऐसा है कि आप अगर कोई बिजनेस करते हो, आप एज अ बिजनेस में आपका जो बिजनेस का कैश रिसीव है वो डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिट ऑफ सच प्रीवियस ईयर। मतलब ऐसा है कि आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो एंड देन आपका टर्नओवर अप टू ₹3 करोड़ है एंड आपका जो कैश रिसीव है वो डज नॉट एक्सीड नहीं कर रहा है ऑफ 5% ऑफ टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट। मतलब ऐसा है कि आपका जो भी रिसीट है वो 95% वो है थ्रू ऑनलाइन मोड। दैट मीन्स कि डिजिटल मोड से आपका पूरा ही कैश रिसीट आया है। पूरा ही तो नहीं बोल सकते बट 95% आपका रिसीट है वो थ्रू ऑनलाइन मोड्स है। उनको अलग तरीके से ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपका कैश रिसीव डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट। अगर आप ये पूरी ही कंडीशन सेटिस्फाइड करते हो, मतलब आपका टर्नओवर लेस देन 3 करोड़ है, मतलब अप टू ₹3 करोड़ है, कैश रिसीट भी आपकी 5% से ज्यादा नहीं है एंड आप जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो अंडर सेक्शन 44AD के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, देन यहाँ पे जो एमएसएमई पेमेंट रूल है वो एप्लीकेबल नहीं है। बहुत ही एक बेनिफिट देने वाली बात है टू द छोटे छोटे व्यापारी को जिनका भी टर्नओवर अप टू ₹2 करोड़ 3 करोड़ है, तो उनको ये बहुत ही बेनिफिट देने वाली बात है कि उनको ये पूरी ही जो पेमेंट रूल की साइकिल है
उसमें फॉल ना करना पड़े। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि उनका टर्नओवर लिमिट के अंदर है एंड वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं अंडर सेक्शन 44AD एंड वो एमएसएमई पेमेंट रूल का कम्प्लाइंस ना करे तो भी चलेगा, मतलब उसमें कम्प्लाइंस एप्लीकेबल ही नहीं है। तो आई होप आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आपको कोई भी क्वेरी है देन जरूर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हेल्दी स्टे वेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।